गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर में हम एक नए राजवंश, सल्तनत काल के ही नए राजवंश तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और तुगलक डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के बाद आई थी। इसके फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक, लेकिन थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड में पहले चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद एक 5 वर्षीय बालक शिहाबुद्दीन को उसके सामंत मलिक काफूर के द्वारा गद्दी पर बैठा दिया गया था और मलिक काफूर डिफेक्टो रूलर यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से असली शासक रूप में वह शासन करने लगा, लेकिन मात्र 35 दिन तक ही वह शासन कर पाया था। मुबारक खान जो अलाउद्दीन का 3rd नंबर का पुत्र था, उसे मलिक काफूर ने जेल में डाल दिया था और मलिक काफूर की तमन्ना यह थी, ख्वाहिश यह थी कि वह शासक बन बैठे, क्योंकि वह सबसे बड़े सेना नायक के रूप में उभरा था, सबसे भरोसेमंद सेना नायक अलाउद्दीन खान जी का वह था। वह चाहता था कि वह स्वयं शासक बन जाए। मुबारक खान जिसे जेल में डाल दिया गया था और उसकी हत्या के लिए मलिक काफूर ने आदमियों को भेजा था, लेकिन मुबारक खान ने उनको प्रलोभन देकर के धन पद और संपत्ति का अपनी ओर मिला लिया और स्वतंत्र होकर के उसने मलिक काफूर पर आक्रमण कर बैठा और उसकी हत्या कर डाली। फिर मुबारक खान स्वयं गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक के रूप में और मुबारक खिलजी के रूप में जाना गया। लेकिन मुबारक खिलजी का शासन मात्र 4 वर्षों तक ही चला, 1316 से 1320 ईस्वी तक। मुबारक खान एक शासन में कुशल व्यक्ति नहीं था, उसने कुछ अपने लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। इसमें एक था खुसरौ, खुसरौ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और खुसरौ ने उसे धोखा दिया और धोखा देने के साथ साथ उसने मुबारक खान की हत्या भी कर डाली। खुसरौ अप्रैल 15, 1320 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। खुसरौ राजवंश का नहीं था, खुसरौ कन्वर्टेड मुस्लिम था, अतः वह टर्किश नोबल का भी नहीं था। ये बार तुर्की सामंतों को रास नहीं है, उन्होंने एक समूह बनाकर एक षड्यंत्र किया और इनका नेता बना गाजी मलिक तुगलक, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत का गवर्नर था, प्रांतपति था और वह एक टर्किश नोबल था। उसने अन तुर्की नोबलों यानी सामंतों के साथ मिलकर के उसने एक विद्रोह किया और इस विद्रोह में उसने खुसरौ को पराजित करके उसे हत्या कर दी। और सितंबर 6, 1320 ईस्वी को गाजी मलिक तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के रूप में दिल्ली सल्तनत का शासक बन बैठा और उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था तुगलक वंश, जिसके राज्यारोहण का स्वागत सामंतों ने किया, उसके राजारोहण का स्वागत उलेमा वर्ग ने किया। चूंकि हमने देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में उलेमा वर्ग को राजनीति से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था, उन्हें दखलंदाजी देने के लिए पूरी तरह से अलाउद्दीन के द्वारा मना कर दी गई थी। गियासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो अपने फेवर के लोगों को, अपने पक्ष के लोगों को जो उसे विश्वास पात्र के रूप में थे उनको उसने पद दिया
उनको सम्मान दिया और उन लोगों को जो उसके पक्ष में नहीं थे उनको उनके सरकारी पदों से मुक्त कर दिया गया, जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे उनकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार वह दिल्ली का शासन कुछ समतों और उलमाओं की मदद से प्रारंभ किया। वह एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अभियानों के द्वारा दक्षिण के क्षेत्रों पर अभियान कर विजय प्राप्त करने के बाद उनके राज्य को वापस लौटा दिया था, इस शर्त पर कि उस सालाना रकम यानी नजराना पेश करेंगे। मगर इसकी नीति कुछ दूसरी थी, इसने नीति अपनाई, इस नीति को हम देखते हैं कि उसने न सिर्फ विजय प्राप्त किया बल्कि उन राज्यों को दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसमें सबसे पहला आता है तेलंगाना का राज्य, जहां काकातीय वंश का प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहे थे। इन्होंने प्रताप रुद्रदेव लगान देना बंद कर दिया था। उसने जब परिस्थिति किया, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक राजा आ रहे हैं, दूसरे राजा आ रहे हैं, एक राजा आ रहे हैं जा रहे हैं, दूसरा राजा आ रहा है फिर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लगान बंद कर दिया था। तब तुगलक ने, यासुद्दीन तुगलक ने अपने सेनानायक और पुत्र जो दोनों एक ही व्यक्ति था जुआना खां, उसको दक्षिण की ओर भेजा, जो यह क्षेत्र तेलंगाना क्षेत्र पे उसने आक्रमण कर बैठा। यहां आक्रमण करके वह अभी विजय श्री हासिल ही करने वाला था, फोर्ट पर कब्जा ही करना, तभी उसे एक समाचार मिला कि सुल्तान की मृत्यु हो गई। अतः वह जल्दबाजी में दिल्ली लौटा, मगर हाँ पता चला कि वह एक अफवाह था, अतः उसने सुल्तान और अपने पिता से माफी मांगी और क्षमा को प्राप्त किया। अतः 1322 ईस्वी में एक बार फिर उसने अपना अभियान किया तेलंगाना की ओर, और इस बार प्रताप रुद्रदेव को न सिर्फ पराजित किया बल्कि बंदी बना करके दिल्ली लाया, और यहाँ से जब दिल्ली ला गया तो यहाँ कैद में डाल दिया गया और कैद में डाल करके उसे फिर तेलंगाना को राज्य को उसने अपने राज्य में समाहित कर दिया, यानी कि राज्य में मिला दिया। तेलंगाना से जुटता हुआ क्षेत्र था उड़ीसा का क्षेत्र, यहाँ के शासक थे भानुदेव द्वितीय। भानुदेव द्वितीय ने प्रताप रुद्रदेव की मदद की थी, अतः उसने जो जाजनगर का क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर वो शासन कर रहा था भानुदेव द्वितीय। उसने उसके राज्य पर न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि उसको जाजनगर जो उसकी राजधानी थी उसको प्लंडर यानी कि लूटा, उसके धन संपत्ति को लूटा और फिर लौटा। तभी एक और घटना घटी बंगाल में, जो स्वतंत्र हो चुका था। यहां पर गियासुद्दीन, इत्तेफाक है दिल्ली में गियासुद्दीन तुगलक और बंगाल में गियासुद्दीन का शासन कर रहा था, लेकिन वहां पर दो भाइयों के बीच में गद्दी को लेकर के संघर्ष चल रहा था। दूसरा भाई नसरुद्दीन ने गियासुद्दीन को मदद के लिए गुहार की और नसरुद्दीन के गुहार पर स्वयं सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक बंगाल पहुंचे। उसने गियासुद्दीन को पराजित करके नसरुद्दीन को गद्दी पर बैठाया और काफी धन संपत्ति हाथी घोड़े लेकर के वह लौटने लगा। जब वहां से वह लौट रहा था तो वह उत्तरी इस रास्ते से लौट रहा था जो तिरहुत का क्षेत्र है। तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन था, कर्नाट शासकों को उसने पराजित किया। तभी एक घटना घटी, जब बंगाल में ही था तो वहां पर उसे
निजामुद्दीन औलिया का एक संदेश मिला कि उसने उसके पुत्र को जुआना खां को जल्द ही शासक बनने का आशीर्वाद दिया। तब उसने कहा था, मैं दिल्ली पहुंच के तुम्हें बताऊंगा। अभी इस चीज को यहां रोकते हैं, अभी उसके प्रशासन के बारे में देखते हैं। एक बार फिर हम लोग आएंगे निजामुद्दीन औलिया, जुआना खां और उसके राज्य में प्रशासन के दृष्टिकोण से देखते हैं कि पुनर्शांति की स्थापना हो, केंद्रीय शक्ति को दृढ़ता प्रदान किया गया, उसने कृषकों के आर्थिक स्थिति को सुधार किया। उस वक्त राजकोष का धन खाली हो चुका था क्योंकि खुसरो खान ने तमाम संपत्ति को अपने सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, सामंतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तमाम संपत्ति को अपने समर्थकों के बीच में बांट दिया था, जिससे राजकोष पूरी तरह खाली हो गया था। अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, तो उसने लगान व्यवस्था में सुधार किया। लगान को उसने कम कर दिया, भूमि लगान 1/5 से 1/3 चले गए, 1/5 कर दिया गया। मध्यस्थ भूमिपतियों के पुराने अधिकारों को लौटा दिया गया, यानी कि एक बार फिर से मध्यस्थ भूमिपति जिसे अलाउद्दीन हटा दिया था वापस आ गया। इक्तेदारों और अमीरों पर कर वसूली के जो ठेकेदारी थी उस पर रोक लगा दी गई। अब जो लगान वसूली होता था उसका पूरा लेखा जोखा सुल्तान के समक्ष रखना पड़ता था। सर्वेयर को बार बार सर्वे करने में समय बर्बाद होता था, उस चीज को बंद किया गया। उपज के अनुसार ही 1/3 कृषि के फसल के होता है, जमीन के अनुसार और कहीं कहीं पर जहां अच्छी फसल नहीं होती थी या अकाल पड़ जा सकते थे, ऐसे परिस्थिति में 1/5 हिस्सा दिया जाने लगा। सिंचाई की व्यवस्था की गई, सिंचाई के सुधार से कृषि के विकास अवश्य संभावित है, सिंचाई व्यवस्था किया गया। बाग बगीचों का विकास किया गया, फलों के बाग लगवाने के प्रयास किया गया और सड़कों का निर्माण किया गया ताकि बाजारों में जाने के लिए, दूर दर प्रदेश में जाने के लिए सुधार हो सके। टूटे हुए सड़कों का मरम्मत करा गया, संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। तो संचार व्यवस्था में जब सुधार हुआ तो बहुत सी चीजें स्पष्ट रूप से हर किसी को, यहां तक कि सुल्तान से लेकर के सामान्य जनता के बीच में मालूम होने लगे। इसके साथ हम देखते हैं कि पुलों का निर्माण कराया गया, जहां जहां पुल बने, जहां नहरों के ऊपर बने, जहां पर रास्ते टूट गए थे वहां पर पुल बने, और इस प्रकार नहरों और पुलों के निर्माण से राज्य के आर्थिक स्थिति में, आवागमन में, सिंचाई में काफी सुधार होने लगा। डाक व्यवस्था में भी थोड़ी सुधार की गई, जुडिशरी सिस्टम में यानी कि न्यायिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए, कठोर सजाओं को बंद कर दिया गया। सत्य को गलवाने के लिए जो यातनाएं दी जाती थी उस चीज को उसने बंद कर दिया, यानी कि रिगोरस पनिशमेंट भी अब बंद हो गए। आगे हम देखते हैं कि उसने सामान्य जनता, किसानों को नहीं बल्कि सैनिकों की भलाई के लिए भी उसने महत्वपूर्ण कदम उठाए। सैनिकों की जो तनख्वाह रुक गई थी अलाउद्दीन के समय फिक्स कर दिया गया था, अब उसने सैनिकों की तनख्वाह को वृद्धि कर दिया। लेकिन सैनिक कार्यों में और सेना के स्तर में कोई भी कमी न हो, इसके लिए भी उसने पूरे उपाय किए। हुलिया जो सैनिकों के एक एक अंग प्रत्यंग के बारे में कहता था उसको कठोरता से लागू किया। दाग जो कि डाक व्यवस्था, सॉरी दाग जो घोड़े के अस्त्र होते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े थे, उसको उसने सेना में रखवाया और उनको
पहचान के लिए उनको दाग प्रथा लागू की, तो दाग दिया जाता था, मार्क लगा दिया जाता था कि कोई दूसरे की घटिया घोड़ी न ला कर रखते। अतः इस तरह दाग और गुड़िया को कठोरता से लागू दिया। अब एक बार हम फिर आते हैं उस पर मुद्दे पर जिसको हम बोलते हैं कि बंगाल से लौटते वक्त क्या हुआ। वह बंगाल से जब लौट रहा था तभी उसको यह समाचार मिला कि निजामुद्दीन औलिया ने उसके पुत्र को वरदान दिया कि वह जल्द ही सुल्तान बनेगा। इस दौरान हम देखते हैं कि उस काल में निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत जो दिल्ली में थे उनका काफी सम्मान था। सामंत और राजा या के साथ साथ सामान्य जनता भी उनके चौखट पर दस्तक देती थी, घुटने टेकती थी। अमीर खुसरो उनका बहुत बड़ा भक्त था। कालांतर में जुआना खां जो गियासुद्दीन का पुत्र था वो भी उनका काफी बड़ा भक्त बन गया था। उस समय धर्म गुरुओं का राजनीति में भी रसूख होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस तमाम चीजें बंद हो गई थी, लेकिन अमीर खुसरो फिर भी उनके जो कुटिया थी उनको जो निवास स्थान था जहां पर वो धुनी रमाते थे संत सूफी संत वहां जाया करता था। जब यह उसे सूचना मिली कि निजामुद्दीन औलिया ने उसे घोषणा कर दिया है कि उसका पुत्र कल जल्द ही गद्दी पर बैठेगा, तो उसने बोला मैं दिल्ली आकर तुम्हें बताऊंगा। तब उसने कहा कि हुनु दिल्ली दूरस्तर, हुनूज दिल्ली दूरस्ता, दिल्ली अभी दूर है। ये कहावत आज भी है, यानी कि अभी लक्ष्य आपसे बहुत ही दूर है। ये कहावत आज भी जारी है, लेकिन कहा गया था इसी सूफी संत निजामुद्दीन द्वारा, और किसके संदर्भ में, गियासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। जब वह दिल्ली के पास पहुंचा तब भी उसने यही लोगों ने कहा, तब भी उसने यानी निजामुद्दीन ने यही कहा कि उन्होंने दिल्ली दूरस्ता, दिल्ली अभी दूर, जब मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर था और उस जगह का नाम था दिल्ली से जमुना के पार, उस जगह का नाम था अफगानपुरा। वहां पर एक जलसा रखा गया था, चूंकि सुल्तान स्वयं सेना का नेतृत्व करने बंगाल गया, बहुत दूर से आ रहा था, उसके सम्मान के लिए बहुत बड़ा टेंट लगाया गया था, एक शमियाना लगाया गया था, समझो कि एक तरह से छोटा मोटा नगर बसा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब बंगाल से लाए हाथियों के साथ जब वह वहां पहुंचा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे ही हाथी का पैर पड़ना था वहां पर सारी इमारत धराशायी हो जाती, और ऐसा कुछ हुआ भी। जैसे ही हाथियों के साथ उस पॉइंट पर पहुंचा, उस स्थान पर पहुंचा, तो हाथियों के वजन से सारी की सारी जितनी जो संरचना बनी गई थी उसके सम्मान के लिए, उसके ऊपर बांस और बल्लियों के ढेर गिर गया। हाथी के नीचे वो दब गया सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक, और वह उसका एक और पुत्र उसके नीचे दब के मर गया। हालांकि इस चीज को लेकर के विद्वानों के बीच में भेद थे, कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक दुर्घटना थी, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक षड्यंत्र था, एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इस संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि मेहदी हुसैन और बीपी सक्सेना का मानना है यह एक
एक्सीडेंट था या एक महज दुर्घटना थी। लेकिन अन्य विद्वान जैसे ईश्वरी प्रसाद, अंग्रेज विद्वान उलसले हे, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और आरसी मजुमदार का मानना है कि यह एक षड्यंत्र था, एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसके अंतर्गत में सुल्तान को एक ऐसी जगह लाया गया, उसकी बहाना सम्मान करने का था, वेलकम करने का था, खैर मकदम करने का था, लेकिन यह एक षड्यंत्र था जहां पर आते ही सुल्तान के ऊपर सारी की सारी जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन था ऊपर गिर गया और उसके नीचे दब करके मर गया। इन विद्वानों का मानना, ईश्वरी प्रसाद उसले एक आशीर्वाद आशीर्वादा, इनका मानना था ये घटना हुई और उनका आधार इब्न बतूता जो कि एक ट्रेवलर था, यात्री था, विदेशी आते तंजिया निवासी था और एक इतिहासकार था, उसकी किताब रेहला के आधार पर। ये इन लोगों का ऐसा मानना है। तो इस प्रकार उसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई, उसके बाद जवाना खा गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके समय में एक संरचना भी बनी थी जिसका नाम था तुगलकाबाद का फोर्ट। ये पहाड़ियों पर बनी थी, अलाउद्दीन की एक्सटेंशन वाली पहाड़ियां जो दिल्ली के दक्षिण में पहुंच गई थी, यहाँ पर उसने एक किले का निर्माण करवाया जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह पूर्ण रूप में बस नहीं सका और मात्र 15 वर्षों में ही यह वीरान हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक चला है और इसमें भी उसने काफ़ी कार्य किए। उसने मालाबार तट तक भी जा पाया, सिंध के क्षेत्र में भी उसने जो स्वतंत्र हो गए थे वहाँ पर भी उसने अधिकार जमाया था। तो इन तमाम क्षेत्रों पर मालाबार यानी पश्चिमी पौर तक उसने अपनी सेना को भेजा था, एक नए वंश की स्थापना की, साम्राज्य में एक बार पुनः स्थिरता आया जो कि खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ समय तक वो अस्थिर हो गया था। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला का रंग पढ़ेंगे। धन्यवाद।